देखो भाई, जो रियलिटी है जो हम आपको बता रहे हैं, यही देखिए, ये फ़ोन है और फ़ोन से ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बिलैया रास्ता काट दिया। हाँ, मकई और इधर गेहूँ है। गजब लग रहा है। वेलकम बैक माई YouTube चैनल Enjoy with MK। तो फाइनली गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज जो है हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करने वाले हैं, यानी सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग के पास फ़ोन के अलावा कुछ नहीं है। फ़ोन है और एक माइक है बोया का, बस उसी से जो है हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करने वाले हैं। कोई सेटअप नहीं है, कोई एक्शन कैमरा नहीं है, माउंट है कि हेलमेट में फंसा कर फ़ोन को भी रखा जा सके, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो सिंपली जो है फ़ोन से आज ब्लॉगिंग करेंगे। इस ब्लॉगिंग में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग जो है जाएंगे गाँव का रोड को भी कवर करेंगे, हाईवे को कवर करेंगे, मेन रोड को, मार्केट वगैरह सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि रिएक्शन होता है कि नहीं, अगर रिएक्शन भी कोई देता है तो मैं वो भी क्लिप जो है मैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो फाइनली क्या करते हैं, यहाँ से मोटो ब्लॉगिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं बिना सेटअप का। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, तभी आपको जो है मज़ा आने वाला है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर गाँव का नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है, अगर वो देखना है आपको गाँव वाला, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंडिंग में जो है गाँव में एंट्री करेंगे और वहाँ का जो भी चीज़ें होगा सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को जो है आप स्किप न करें। आज जो है हम लोग गांव का रोड, हाईवे और मेन रोड और जो चालू रोड होता है वो सब रोड को जो है कवर करेंगे। और दिखाएंगे आपको रिएक्शन, और अंत तक बने रहिएगा ताकि आज का सफ़र जो है कैसा तय होता है हम लोगों का, और गांव में जब जाएंगे तो वहां का रिएक्शन अलग ही होगा, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो अभी चालू रोड जो होता है अभी एंट्री कर चुके हैं, जैसे मार्केट का रोड तो नहीं कहिएगा, ये रोड जो है बहुत सारा गांव को जोड़ता है, तो उधर ही चलते हैं। अगर आप लोग पहचान रहे हैं ये कौन सा रोड है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रोड जो है कहाँ जाती है। अभी जो है हम लोग चालू रोड में है, मार्केट में नहीं है, और चलेंगे गांव का रोड भी कवर करेंगे और उधर का भी देखेंगे। गांव का लोग रिएक्शन देता है तो रिएक्शन भी आपको हम दिखाएंगे। बहुत दिनों के बाद मन किया कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग किया जाए, वो भी मोटो ब्लॉगिंग। तो चल पड़े हैं अपने दोस्तों के साथ और आज जो है ब्लॉगिंग करेंगे। और अगर अच्छा लगता है आप लोग को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉगिंग कैसा रहा। तो फाइनली अभी जो है हम लोग लगभग शाम तक आज जो है घूमेंगे अच्छे तरीक़ा से, और अच्छा अच्छा व्यू दिखाऊंगा और जो भी रिएक्शन होगा वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक ताकि एक नया एक्सपीरियंस जो है आपको दे पाए। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का मोटो ब्लॉगिंग हमेशा बनाते रहूँ। देख लीजिए भाई साहब, गजब है भाई साहब, जो है न पान पराग न शिखर न जुबा केसरी खाते हैं, फिर भी थूक फेंके हैं तो आईना पर फेंक लिया है और पोछ रहा था। देख रहे हैं कितना महान है सर। ये जो है अभी हम लोग जो है एंट्री किए हैं मार्केट में, और यहाँ जो है सब्जी वगैरह जो मिलता है, तो देख लीजिए इधर ही सब्जी वगैरह मिलता है। हम लोग अभी मार्केट में फ़िलहाल, और अभी जो है दोपहर का टाइम है, लगभग जो है 12 और 1 के बीच का समय है, इसलिए जो है उतना भीड़ नहीं है यहाँ। यही अगर शाम का टाइम रहता तो यहाँ जो है इतना आदमी भरा रहता, और यहाँ पर जाम भी काफ़ी लगता है गाड़ी का। भाई ये मौसम जो है ना बहुत ही खतरनाक है, ये एकदम धूला उड़ के मुँह में पड़ता है, इसको दम्मा भी हो गया है। ठोकेगा क्या? देख लो भाई रोड क्रॉस कैसे हो रहा है।
तो फाइनली गाइज अभी जो है हम लोग गांव में एंट्री ले चुके हैं और गांव का रोड देखिए, ओ माय गॉड, पहले ही खड्डा से तो हटा के चला यार, खड्डा में ले जाता है। नीतीश कुमार के यहाँ पहुँचाने से क्या फ़ायदा है, खड्डा है तो है खड्डा है, रोड नहीं बनने वाला भाई। इधर खड्डा बहुत ज़्यादा है, जिसे हम हिंदी में जड़किन भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इंग्लिश में जड़किन जो भी हो। देखिए गांव में पहुँच चुके हैं और इधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर देखिए कुछ जानवर जो है, तो गांव का शान है ये सब भाई। बड़े कर देखो गाँव में किस लिए बनाया जाता है, गाँव में इसलिए बनाया जाता है कि बच्चा लोग दौड़ते रहता है, जैसे कि आप दौड़ते भाई, यही तो गांव का मज़ा है, चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी, पेड़ पौधे दूर दूर तक देखिए कितना हरियाली है। बस यही मज़ा लेने के लिए निकले थे आज, तो सोचा कि ब्लॉग बना लूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, तो बस बने रहे और नेचर का मज़ा उठाते रहे, क्योंकि गांव का रोड और जो नेचर होता है, एनवायरनमेंट होता है, इस चीज़ का मज़ा अगर आपको लेना है तो ये वीडियो को जो है पूरा देखें, क्योंकि अब भी और मैं गांव में जाऊंगा, जो जिसे भुच्चड़ गांव कहा जाता है ना, उस टाइप का गांव में भी जाऊंगा और वहाँ का भी लोकेशन और सीन जो है दिखाऊंगा। रोड का हाल तो बहुत बुरा है गांव का फिलहाल, क्योंकि देख रहे हैं जहाँ तहाँ से गड्ढा है, बड़ा बड़ा गड्ढा है भाई, इतना गड्ढा है कि गिर भी सकते हो। और ये देखिए ये बीड़ी नहीं है सर जी, ना ये एफिल टावर है, ना बुर्ज खलीफा है, ये जो देख रहे हैं ये गांव का चिमनी है, ईटा भट्टी जिसे कहा जाता है, यहाँ जो है ईटा बनता है, तो ये बहुत बड़ा है। ये पीपल का पेड़ देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, और इसे यहाँ पर पूजा वूजा भी किया जाता है। कलर है, थक गया क्या, और ये बंदा जो है थक गया है फिलहाल यहाँ पर, तो सोचा ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो बने रहे आगे और भी एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल जो है अभी हम एक बेहतरीन सा गांव में आकर और रुके हैं, यहाँ पे हवा बहुत अच्छा चलता है, हवा, हाँ गांव का हवा जो है, गांव का जो पेड़ पौधा से जो नेचुरल, ये क्या कर रहा है, ये चाबी, अच्छा चाबी रख रहा है, हमको लगा कुछ और करेगा क्या, सही है, तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को जो आप स्किप ना करें। ए चाची अभी तक गड़बड़ा दे, बाप रे बाप, बताइए अभी तो आप दिक्कत, चाची तो अभी गड़बड़ा देते हैं, पता चलता है कि अगर गांव में क्या होता है दोस्त, अगर थोड़ा सा भी अगर गलती आपका हो या ना, उससे कोई बहस नहीं है, खाली अगर कोई पिछा जाता है या धक्का लग जाता है, उसके आप वो कुटाई मिलेगा, वो गुस्सा मुक्का मिलेगा कि आप कभी सोच नहीं सकते। तो गांव में जब भी आएँ तो सबसे बड़ी चीज़ पहले आप देख ले जानवर, बकरी, खस्सी, मुर्गी, ये सब जो है, और फिर बूढ़े व्यक्ति, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, बोले कब आपके गाड़ी के सामने आ जाएगा और आप पिटा जाएंगे बिना मतलब, जैसे अभी अगर कुछ भी होता तो हम दोनों जो है पिटाई खाने वाले थे 110%। भाई ये देखो कितना बेहतरीन नज़ारा है, कितना खतरनाक नज़ारा है, और देखिए सामने से जो है ट्रेन जा रही है, कौन सा ट्रेन है ये तो नहीं पता, बट है, मैं कोशिश करता हूँ जूम करके देखने की, अभी नज़दीक ही चला जाता हूँ। चलो गजब गजब लग रहा है भाई, अमेजिंग, बस बस
देखो भाई, बच्चा को देखो, सब जो है होली खेल रहे हैं, पूरा मुंह हाथ रंगे हुए हैं, सब होली खेल रहे हैं भाई। काम है ये, आप देख लीजिए। तो फाइनली गैस, वो जो अभी आप भीड़ देखे, जाम जो देखे, वो चेकिंग चल रहा था, वो होली के लेकर कोई नशे का चीज़ जो है लेकर जा रहा है या नहीं, तो इसी चीज़ का चेकिंग था। असली मज़ा जो भाई अभी देखे ना, भाई साहब जो लवनी लेके जा रहे थे, असली मज़ा यही में है। और गांव में सब होली के दिन तो गर्दा उड़ाएंगे असली मज़ा लेकर। भाई ये फॉग नहीं है, ये धूला उड़ रहा है, धूला। इसे हम जो है मगनिया पाउडर कहते हैं। ये बिलैया रास्ता काट दिया है। ठोकवाई कर रहे बाप रे, बाल बाल बच गए भाई, यही तो अभी ठोक देता है। तो फाइनली अभी जो है हम लोग मार्केट में एंट्री हो चुके हैं, और ये रोड जो है मार्केट वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ जाम और बहुत कुछ मिल सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो बाल बाल बच गए हैं। पता चल रहा है कि कौन सा मार्केट है, कहाँ का लोकेशन है, तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। फाइनली मार्केट से मार्केट है, तो इस तरीका का ही गांव का मार्केट होता है। और ये शहर का तो मार्केट है नहीं, जो हाई फाई लगेगा देखने में आपको, पूरा गांव के टाइप का ही दिखेगा। कभी बोर हो रहे हैं तो निकल पड़े गांव की ओर, बेहतरीन मज़ा आने वाला है आपको गांव की ओर। बहुत सारे यादें जो है ताज़ा हो जाएगी, और जो भी आपने बचपन में छोटे बड़े काम किए होंगे, खेले होंगे, या फिर कुछ भी किए होंगे, सब याद आने वाला है। चचा चचा तो चचे हो जाते हैं। कैसा लगा इसको देखिए, बच के समझ।
ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये सब सूख रहा है, ये खैनी है, तंबाकू जिसे कहते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं है। बस मैं आपको सिर्फ मेरा व्यू जो था दिखाने का कि ऐसा पेड़ होता है, तो आप लोग गलत जो है ना समझे। भाई ओरिजिनल अब मज़ा आएगा, खेत में हम लोग चलने वाले हैं। और ये देखिए चारों तरफ से जो है, इधर गेहूं है और इधर भुट्टा है और मकई ना, हाँ मकई, और इधर गेहूं है और बीच में एक पतला सा रोड है जो पैदल चलने के लिए बनाया जाता है, तो उसमें हम लोग जो है बाइक चला रहे हैं। अनबैलेंस तो हो ही रहा है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे आपके लिए। गाइस क्या हुआ कि हम लोग को जो है थोड़ा बहुत भूख लग चुका था, तो सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो बस कुछ ज़्यादा खास तो मिला नहीं इस रूट में, जो है मुझे समोसा और मिठाई जो आपने देखा वही मिला, तो इसी को जो है हम लोग फटाफट खाए हैं। उसके बाद फिर से जो है राइडिंग पे निकल चुके हैं, यानी गिराएगा क्या? उड़ाएगा क्या? उड़ाएगा क्या? आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका लाइक जो आप जो लाइक जो करते हैं ना, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियो जो है बनाने का मन भी करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।